गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द प्रीवियस क्लास वी हैव सीन द टास्क बार एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विंडोज एक्सेसरीज. सो एक्सेसरीज आर दोज प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन विच हेल्प अस टू डू वेरियस टास्क इन अ कंप्यूटर. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कंप्यूटर एक्सेसरीज कहते हैं. जैसे पेंट प्रोग्राम, नोट पेड, वर्ड पेड, दिस ऑल आर द एक्सेसरीज प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. And today we will talk about the one more accessory, that is the calculator. So calculator is used to do calculation and arithmetic task in a computer. Calculator हमें मिलेगा कहाँ? सबसे पहले तो हमें start button पे click करना होगा और यहाँ पर all programs में जाना है. जैसे all programs पे click करेंगे तो यहाँ पर accessories नज़र आएगा हमें, और accessories के अंदर सबसे ऊपर जो program है वो है calculator. जैसे आप कैलकुलेटर पर क्लिक करोगे तो कैलकुलेटर का स्क्रीन इस तरीके से सामने आ जाएगा. अब इसमें वो सारी चीज़ें जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 एंड ऑल द ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू डू कैलकुलेशन और ऑपरेशंस. जैसे अगर हमें दो नंबर का कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सबसे पहले पहला नंबर लिया, देन मल्टीप्लिकेशन एंड द नेक्स्ट नंबर, देन इक्वल्स टू. सो इस तरीके से हम कुछ भी या कोई भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर वॉलपेपर की. तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप स्क्रीन, जो हमें ये सामने नज़र आ रही है. इस डेस्कटॉप स्क्रीन के पीछे जो पिक्चर नज़र आ रही है हमें, ये जो पिक्चर है उसे हम कहेंगे वॉलपेपर. और इस वॉलपेपर को हम चेंज भी कर सकते हैं. वॉलपेपर को चेंज करने के लिए हमें डेस्कटॉप पे एम्प्टी स्पेस पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है. यहाँ पर जाके हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उस पर क्लिक करना है. और इसके बाद इस स्क्रीन में यहाँ से अलग अलग कैटेगरी के वॉलपेपर से जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले हम विंडोज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाले पे ही सेलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स है जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर. तो हम यहाँ से एक पिक्चर ले लेते और सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा, तो पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पर आ जाएगी एज अ वॉलपेपर. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रीन सेवर की. तो स्क्रीन सेवर एक ऐसा प्रोग्राम है कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर ऑन है, उस वक्त कंप्यूटर के ऊपर कुछ पिक्चर्स, कुछ ग्राफिक्स हमें नज़र आएंगे, और वो बेसिकली होता है कंप्यूटर के पावर को सेव करने के लिए. तो स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए हमें कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और पर्सनलाइज पे क्लिक करना है. यहाँ पर जाके हमें स्क्रीन सेवर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्क्रीन सेवर का स्क्रीन नज़र आएगा और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा. सबसे पहले तो आपको वो पिक्चर या वो इमेज लेनी होगी जिस जो स्क्रीन सेवर होगा. जैसे हम यहाँ पे बबल्स ले लेते हैं. और इस वेट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं स्क्रीन सेवर का, कि कितनी देर बाद ये स्क्रीन सेवर ऑन होगा. तो यहाँ पर हम टाइम सेट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, व्हाटएवर. और इसका प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं. जैसे ये बबल्स निकलना इस तरीके से चालू हो जाएंगे, जब भी स्क्रीन सेवर ऑन होगा तो इस तरीके से ये बबल्स जो से निकल रहे हैं वैसे चालू हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी आवर नेक्स्ट और 4th चैप्टर ऑफ कंप्यूटर.